टेलर कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि सूफिज्म का शहर कहे जाने वाले अजमेर से अब एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का है। इस वीडियो में खादिम सलमान चिश्ती भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के लिए जहर उगलते हुए दिख रहे हैं। सलमान चिश्ती दरगाह पुलिस थाने का एक हिस्ट्री सीटर भी है, जो नुपुर शर्मा का सिर कलम करने वालों को अपना मकान देने की बात कहता नजर आता है। दरअसल उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद मजहब की आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी है। ताजा मामला अजमेर का है। खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो वैसा ही है जैसा वीडियो उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की हत्या से पहले तैयार किया था। करीब 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सलमान चिश्ती खुलेआम नुपुर शर्मा को कत्ल किए जाने की धमकी दे रहा है। वीडियो में सलमान चिश्ती कह रहा है कि वक्त पहले जैसा नहीं रहा, वरना वह बोलता नहीं, कसम है मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं उसे गोली मार देता। और आज भी सीना ठोक कर कहता हूँ, जो भी नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा मैं उसे अपना घर दे दूँगा और रास्ते पर निकल जाऊँगा, ये वादा करता है सलमान। खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर शहर के अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अजमेर के ASP विकास सांगवान ने कहा कि इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। वीडियो में सलमान चिश्ती नशे की हालत में नजर आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। इससे पहले नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने का पोस्ट करने वाले एक लड़के के टेलर पिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। टेलर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले आरोपियों रियाज और गौश मोहम्मद ने भी वीडियो बनाकर धमकी दी थी और हत्या के बाद भी वीडियो बनाया था। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद अजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा था कि भारत के मुस्लिम देश में कभी भी तालिबानी मानसिकता को कबूल नहीं करेंगे। कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। विशेष रूप से इस्लाम में सभी शिक्षाएं शांति के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।